शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा आज हनुमानगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। डोटासरा के पहली बार हनुमानगढ़ पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। डीसीसी कार्यालय में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उन्होंने चर्चा की और लोकसभा चुनाव का फीडबैक लिया और सभी कार्यकर्ताओं को कमर कसने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को और मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को भागीदारी निभानी पड़ेगी, क्योंकि भागीदारी से ही कांग्रेस मजबूत होगी और कार्यकर्ता ही कांग्रेस की रीढ़ है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर कांग्रेस की नीतियों के बारे में प्रचार प्रसार करें और जिस तरह से योजनाओं को लागू किया गया है उनका क्रियान्वयन सही ढंग से हो, इसके लिए वे मॉनिटरिंग भी करें। कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट में अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, इसके लिए वे अपनी कमर कस लें और इसमें कोई कोताही बरतता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रदेश में फैल रहे नशे के खिलाफ भी उन्होंने एक अभियान चलाकर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अधिकारी इस बात के लिए मुस्तैद रहे कि अगर उन्हें कोई भी शिकायत मिलती है तो वे उस पर जल्द से जल्द अमल करें और प्रदेश में नशा मुक्त होना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को चेताया कि अगर किसी भी योजना के क्रियान्वयन में कोई कोताही बरती जाती है तो इसके लिए वे कार्रवाई के लिए तैयार रहें। आज जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें सारे जिले के अधिकारी और जनप्रतिनिधि, हमारे माननीय विधायक विनोद चौधरी साहब और किसान साहब सारे उपस्थित हुए, प्रधान साहिबान भी थे, नगर पालिका के अध्यक्ष भी थे। हर विषय के ऊपर बात हुई है। प्रमुख रूप से जो जिले की कानून व्यवस्था है, नशे की जो प्रवृत्ति दिन रात बढ़ रही है उसके ऊपर भी बात हुई। सीवरेज जो काफी धीमे गति से चल रही है, जो सबसे बड़ी समस्या है, उसके ऊपर भी बात हुई है। चाहे एजुकेशन की बात ले लीजिए, चाहे बिजली की बात ले लीजिए, चाहे लेबर डिपार्टमेंट में जो सुख शक्ति योजना और छात्रवृत्ति वगैरह जो पंजीकृत मजदूर हैं उनको जो मिलती है श्रमिकों को, उस योजना की समीक्षा की बात कर लीजिए। हर बिंदु के ऊपर बात हुई है। प्रमुख रूप से जो समस्याएं आई हैं उसमें एक तो जो सीवरेज का काम है वो बहुत धीमी गति से चल रहा है। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जिला कलेक्टर के लिए निर्देश दिए गए हैं कि जिला कलेक्टर महोदय मंडे मीटिंग में इसकी समीक्षा करेंगे और जो ठेकेदार काम नहीं कर रहा है उसके खिलाफ प्रॉपर एक्शन लेंगे। अगर इसमें कोई अधिकारियों की भी अगर लापरवाही या पाई गई तो उसके खिलाफ भी हम लोग एक्शन लेने की बात हमने कही है। और जो लेबर डिपार्टमेंट में जो बजट की बात है, जो धीमे गति से कार्य चल रहा है, उसके लिए भी हमने जिला कलेक्टर महोदय के लिए निर्देश दिए हैं कि वो मंडे में चले उसको देखें, क्योंकि गरीब के लिए जो योजना है 50,000 रुपये उसकी बेटी की शादी के लिए मिलता है, तो मैं समझता हूँ वो मुंह की तरफ देखता है। और उसमें जो हमें शिकायतें मिल रही है कि साहब इसमें कुछ से अन्यथा जो है वो उसका खर्चा भी कर लिया जा रहा है, तो उसकी बात के भी हमने निर्देश दिए कि जांच की जाए और इस तरह का नहीं होना चाहिए। उस गरीब को जो पैसा होना चाहिए, जो योजना में है उसको लाभ मिलना चाहिए, वो प्रॉपर उसको लाभ मिलना चाहिए। और बाकी सभी विषयों के ऊपर जो नहर की जो रिपेयर की बात आई है उसमें भी काफी शिकायतें मिली है, तो उसके लिए भी माननीय विनोद चौधरी साहब माननीय एमएलए साहब ने कही है, तो उसकी जांच के भी हमने निर्देश दिए हैं कि इसकी आप जांच कराइए और स्वयं एससी जो है वो मौके के ऊपर जाएगा, उसकी जांच करेगा। विद्युत विभाग के लिए भी जो गाइडलाइन के मुताबिक उनको जो काम प्रॉपर करना चाहिए उसके लिए भी बात हुई। तो कुल मिला के सारे विभागों की योजनाओं के बारे में और ये जो नशा बढ़ रहा है इसके लिए हमने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि आप एक टास्क फोर्स गठित कीजिए और इसकी तह तक जाइए, उसको पकड़ करके उसके खिलाफ केस बना देना विकल्प नहीं है, वो ऐसे नशा नहीं रोक सकता। उसको पकड़ने के बाद में ये कहाँ से लाया और ये कहाँ से शुरुआत हो रही है, कौन माफिया इसके पीछे है, इसकी तह तक जाने की जरूरत है। इसमें अगर कहीं ऊपर से और कोई फोर्स की आवश्यकता होगी तो हम राज्य स्तर के ऊपर बात कर करके और उसकी भी व्यवस्था कराएंगे, लेकिन नशे का जो बढ़ता हुआ अवैध जो व्यापार है या धंधा है
जिसको उन्होंने अवैध रूप से अपना रखा है उसको भी हम लोग कंट्रोल करने के लिए हमने अधिकारी को निर्देश दिया।